For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान का दिल सच में बहुत बड़ा है और वो किसी को भी अपने से कम नहीं समझते। जी हाँ, बड़ी बड़ी हस्तियों की शादी में तो सभी जाते हैं, मगर सलमान खान एक ऐसे स्टार है जो अपने ही नहीं बल्कि अपने दोस्त के मैनेजर की शादी में भी जाते हैं। जी हाँ, इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ सलमान खान स्टेज पर सोनाक्षी सिन्हा के मैनेजर के साथ डांस कर रहे हैं। वाओ, शादी में दूल्हे को अगर सलमान खान के साथ डांस करने का मौका मिल जाए तो फिर सोने पर सुहागा होगा। और सलमान जिस बिंदास अंदाज में दूल्हे राजा के साथ नाच रहे थे, ये देखकर तो हम सब काफी इम्प्रेस हुए। इन दिनों सलमान अपनी फिल्म भारत की शूटिंग रैप अप करने में बिजी हैं, जिसके बाद वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ दबंग 3 की शूटिंग करने में बिजी हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें सोनाक्षी के मैनेजर की शादी पर नाचते हुए देखकर हम तो काफी इम्प्रेस्ड हैं। और आप? सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत अपनी शूटिंग के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुकी है और कुछ दिन पहले ही सलमान ने अपने को स्टार सतीश कौशिक को एक इनफॉर्मल फेयरवेल पार्टी भी दी। शूटिंग के दौरान सभी ने कई सारे यादगार लम्हे बिताए और अब सलमान खान और उनके को स्टार सुनील ग्रोवर और आसिफ शेख इन लम्हों को एक तस्वीर में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रही फिल्म भारत के सेट से इन तीनों की अमेजिंग तस्वीर। माय माय, इस पिक में तो इन तीनों की बॉन्डिंग बखूबी नजर आ रही है और ये देखकर हम इन सब के कुछ और खट्टे मीठे पलों के बारे में जानने के लिए बेताब हो रहे हैं, है ना? पुलवामा के बेरहम मैसेकर ने पूरे देश को हिला दिया है और आतंकवाद के इस घिनौने रूप को देखकर सभी की आंखें नम हो गई हैं। शहीद वीरों के परिवार के साथ आज पूरा देश खड़ा है और हर कोशिश की जा रही है कि उनके परिवार का जीवन आसान हो। इस हादसे के कुछ ही दिन बाद बिग बी अमिताभ बच्चन ने हर शहीद के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया और इसके चलते उन्होंने अपनी ओर से 2 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किए। अब उनके इस एक्ट से बॉलीवुड के और भी स्टार्स इंस्पायर हुए हैं और उन्होंने अपने अपने तरीके से इन शहीदों के परिवार को फाइनेंशियल हेल्प की है। बिग बी की तरह सलमान खान ने भी शहीदों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए देने की कसम खाई है। वहीं अजय देवगन ने अपनी फिल्म टोटल धमाल की टीम की ओर से 50 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करने का कमिटमेंट दिया है। अक्षय कुमार भी लंदन में होते हुए इस सिचुएशन पर नजर रख रहे हैं और फाइनेंशियल एड कलेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बॉलीवुड के सितारों के इस कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। सलमान भाई सोनाक्षी जी रुके, साथ में साथ में साथ में साथ में साथ में हाइट में पकड़ रहे यार। कौन है भैया, नीचे कौन है? सलमान भाई अरे भाई ले मेरे यार। चलो चले चल 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 सलमान भाई सोनाक्षी जी रुके, साथ में साथ में साथ में साथ में साथ हाइट में पकड़ रहे यार। कौन है भैया, नीचे कौन है? सलमान भाई अरे भाई ले मेरे यार। चलो चले चल 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 थोड़ा थोड़ा गाड़ी लगा।
जहां सारी दुनिया प्यार के रंग में रंग रही थी, हमारे देश भारत के वीर जवानों पर नफरत का कहर इस कदर बरसा कि तबाही मच गई। एक टेरर अटैक के चलते पुलवामा एरिया के कई जवान शहीद हो गए और इस इंसिडेंट से पूरे देश में मातम का माहौल छा गया। जिस बेरहमी से यह अटैक प्लान किया गया था वो देखकर सभी का खून खौल उठा और सभी किसी न किसी तरह से अपना गुस्सा और इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां भी इन्हीं में से शामिल हैं और ऐसे में हमने देखा कि किंग खान शाहरुख ने भी इस शॉकिंग इंसिडेंट को लेकर ट्विटर पर रिएक्ट किया। शाहरुख ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, हार्ट फेल्ट कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ आवर वैलिएंट जवान्स, the souls of our countrymen who laid their lives down for us, rest in peace. Hashtag Pulwama. सिर्फ शाहरुख ही नहीं, उनके बड़ी सलमान खान ने भी एक इमोशनल ट्वीट में लिखा, My heart goes out for the jawans of our beloved country and their families who lost their lives as martyrs to save our families. You stand for India. Well, इस इंसिडेंट ने तो हम सभी को भी शॉक कर दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जवानों की कुर्बानी का बदला हमारा देश जल्द ही ले सके। इसी नोट पर आप भी अपनी राय हमारे साथ शेयर करते रहिए और पुलवामा अटैक पर बॉलीवुड के रिएक्शंस जानने के लिए देखते रहिए मूवीज अड्डा। No, it doesn't bother me at all because I don't think that any religious group will do something like this. Because if they are a religious group, so this is the basic thing that they know that every religion respects the other person's religion. आप देखो इन बांद्रा के अंदर, बंबई के अंदर, आप जहाँ पे भी जाओगे, मौलाना will be sitting at every गणेश विसर्जन, हर गणपति के ऊपर, you know, people will be there. Understand? So it's a Today we are on a different league altogether. I don't think that any religious group, no chance, can ever do something like this because every religion preaches only one thing, to follow your religion and to be respectful and to respect the other person and the other person's beliefs and religion. Hai na? So who are these people who are protesting? So then how can any, I don't think anyone can protest on this. If you're saying religious groups are doing that, there's no chance. Don't malign them. Don't malign them, please. No, you can't say this. You can't do all this, yeah. Please, yeah. ऐसा लगता है आपको कि कोई religious group कुछ बोलेगा on such on peace? On peace? Islam, with the title. Islam means peace. Islam means peace. देखिए ये मैं बताऊं, ये सब प्रोटेस्ट वगैरह यहाँ पे ऐसे दिखावा करने के लिए ना करें ये लोग, क्योंकि अगर कुछ देना है, अगर कुछ भावना दिखाना है तो उन लोगों के पास जाएं जिनके परिवार के साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ। मेरे मथुरा में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो किसानों के बेटे हैं जो शहीद हो जाते हैं, तो मुझे मालूम है उनकी भावना कैसी है, तो उन लोगों के साथ जुड़ें, उनको मदद करें, जैसा आर्थिक सहायता हो वो सब देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए हैवक हियर, इधर करने का क्या मतलब है। करण जौहर के कंट्रोवर्शियल चैट शो कॉफी विद करण के इस सीजन में हमें गर्ल पावर का प्रदर्शन बखूबी मिला है और इस बार उनके कॉफी काउच पर करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा मेहमान बनकर आए। मेकर्स ने अब इस एक्साइटिंग एपिसोड का प्रोमो अनवेल किया है जिसमें इन दोनों ने अपने सारे गिले शिकवे मिटा दिए और दिल खोल कर अपनी अपनी जिंदगी के कई राज सबके सामने लाए। हम सबको याद होगा कि फिल्म एतराज के बाद इन दोनों के रिश्ते में करण जौहर के चैट शो के बाद ही कड़वाहट आ गई और अब सालों बाद इसी शो पर इन दोनों को एक साथ देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रोमो के दौरान हमें ये भी पता चला कि नवाब सैफ अली खान ने अपनी बेबो को ग्रीस में प्रपोज किया था और ये सुनकर पीसी भी चौंक कर कन्फेस करती है कि निक ने भी उन्हें वही प्रपोज किया था। तो बेबो और पीसी को केजो के कॉफी काउच पर देखकर आप कितने एक्साइटेड हैं हमें बताना ना भूलें।